बहुत सारी चीजें होती जो आप यहाँ से सीखते हो। चलो मैं वहाँ से आपको एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ, हालांकि कुछ बच्चों ने पहले भी सुन रखी है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी। yes, कौन जीतता है? कछुआ। तो क्या कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विंस द रेस। परंतु अब की बार ना कहानी में थोड़ा सा चेंजमेंट आ गया। उस खरगोश को काफी टाइम हो गया था, नींद नहीं आ रही थी, ठीक है ना, क्यों वो हार चुका था तो कई साल की बेइज्जती हो चुकी थी उसकी। अब की बार उसने ठान लिया कि भाई अब की बार तो मैं जीतूंगा, और जीतने का मतलब ये हो गया कि वो गया कछुए के पास, उसको रात को जगाया, भाई खड़ा हो। अब कछुए ने क्या किया, भाई अब क्यों आया है, उस पहले बेइज्जती की थी वो अब तक नहीं भूला है? बोले नहीं वो याद है इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। बोले भाई बता फिर क्या हुआ कि एक रेस दोबारा से लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब की बार खरगोश पूरी तैयारी के साथ था। सुबह हुई, अब वो गलती जो उसने हजारों साल पहले की थी वो दोबारा से थोड़ी ना करने वाला था। सुबह रेस के लिए तैयार हो गए, अब की बार खरगोश ने भागा और उससे पहले पहुंच गया। तो बोला कि अब पता लग गया वो टाइम गया जो पहले था, अब की बार वो चीज़ नहीं है। अब कछुए को नींद नहीं आ रही थी, अब तक तो राजा बन रखा था ना, उसकी अच्छी इमेज थी कि भाई मैं जीतता तो रखा हूँ इस चीज़ में। अब की बार क्या हुआ, वो हार गया। अब कछुआ उठता है, फिर उसके पास जाता है कि नहीं अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, एक रेस और लगाएंगे। अब देखना उस रेस में क्या हुआ। वो ना ऐसी जगह डिसाइड करते हैं कि आगे एक तालाब था। अब कछुए ने भी अपना माइंड लगाया कि नहीं अब की बार वहाँ से, अब खरगोश भी उसी में था कि अब की बार मैं भी गलती नहीं करूँगा। बट आगे ऐसा हुआ कि जब वो आगे दौड़े तो आगे एक तालाब आ गया, और तालाब अब क्रॉस नहीं कर सकता कछुआ, तो कछुआ तो कर सकता था, खरगोश नहीं कर सकता था। तो वहाँ पे जाके बैठ जाता, अब धीरे धीरे आता कछुआ वहाँ तक पहुँचता है, तैर के आसानी से पार कर लेता है। अब फिर से टेंशन होगी, किसको होगी अब की बार, खरगोश को टेंशन होगी कि भाई अब की बार क्या होगा। वो फिर से गया, भाई नहीं फिर से रेस लगाएंगे। अब की बार उसने ऐसी जगह डिसाइड कर ली कि बीच में से क्या था, कोई गड्ढा वगैरह आ जाता इस तरह से। अब कौन जीत गया, खरगोश जीत गया। तो कछुए का अब वो वहाँ से कहीं इसी गड्ढे में गिर गया, वो आगे नहीं जा पाएगा। फिर क्या हुआ कि दोनों ने एक चीज़ डिसाइड की कि भाई एक काम करते हैं कि ना मिल के काम कर लेते हैं। जब दोनों ने रेस स्टार्ट की तो रेस स्टार्ट करते ही खरगोश ने क्या किया, उस कछुए को अपनी पीठ पे बैठा लिया, और जो रास्ता था जो गड्ढे वगैरह थे उसको आसानी से क्रॉस करवा के उस तालाब तक ले गया। आगे क्या काम किया कि उसे कछुए ने उस खरगोश को अपनी पीठ के ऊपर बैठा लिया और उस तालाब को क्रॉस करवा दिया। तो समझ में आया बेटा क्या हुआ। अब इस चीज़ से आपको समझ में क्या आता है कि आप क्या चीज़ समझ पाते हो कि आज वो टाइम नहीं रहा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस हो जाए। अब वो टाइम नहीं रहा, अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। और दूसरा सबसे मेन पॉइंट, आपको आपके जो फ्रेंड सर्कल है ना उनका साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना आप कोलैबोरेट किए, बिना उनका साथ लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको अच्छे से अचीवमेंट करनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको मिलके चलना पड़ेगा, जिसमें कि दोनों का फायदा हो जाए। समझ में आई बात है, ठीक है। तो अब उस बात को भूल जाना, क्योंकि अभी वो टाइम चेंज हो चुका है कि आप ये सोचोगे कि नहीं हम धीरे धीरे ये काम कर लेंगे और हम जीत जाएंगे। भाई आज वो टाइम गया, अब स्लो स्टडी करते रहो ना तो फिर तो पीछे ही रह जाओगे स्लो में। तो स्मार्ट वर्क भी करना है, मिलके भी काम करना है, तब जाके आप सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। थैंक यू।